हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग पे। और जैसे कि आपने पिछले व्लॉग पे देखा कि हम मम्मी जी के लिए ना केक लेके आए थे मदर्स डे के लिए, और वहाँ वाली मम्मी जी के लिए भी और यहाँ वाली मम्मी जी के लिए भी। और ना ही वहाँ वाली मम्मी जी को पता था, ना ही यहाँ वाली मम्मी जी को पता था। तो वहाँ तो हम केक दे आए थे, कल मम्मी जी को पता लग गया था वहाँ पे, और यहाँ वाली मम्मी जी को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो अभी ना केक रखा हुआ है, थोड़ी देर में मदर्स डे का केक कटवाएंगे। बस सब नहा धो लिए हैं, मैं भी बस नहा धो रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, और वो विशु आया था और फिर गोली आया था, और दोनों भाई खेल रहे थे बाहर, खिलौने खिंडे हुए थे। अब वो खिलौने मुझे ही उठाने पड़ेंगे। मैं कह रहा था ना कि ये दोनों खेलते हैं या ये अकेला भी खेलता है, तो फिर साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ती है। तो एक बार खिलौने उठा देते हैं पहले। ये देखो, सारे खिलौने खिंडे हुए हैं, बॉक्स में डालूंगा, अभी 2 मिनट के अंदर सारे साफ़ कर देता हूँ। हाँ सुखी, उठवा दे भाई खिलौने। अच्छा उठवाएगा, थैंक यू। अभी ये सारे के सारे खिलौनों को मैं उठा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। तेरी यहाँ तक फैला रखे हैं इसने तो, ओह भगवान का, कितने सारे खिलौने फैला रखे हैं। और फाइनली ये लास्ट, ये इसको भी उठा के अभी रख देता हूँ। कहाँ पे है? जूते चप्पल भी रखे हैं, उठा रहा हूँ। और इतने सारे फैला देता है ये, उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ। खेल ले इनसे, ये ले तेरी मैट भी उठा देता हूँ, जूस उठा ले एक बार साइड में रख दे। तो उठ गए सारे के सारे खिलौने, हो गई साफ सफाई, और अब मैं नहाता हूँ नहा धो के, और फिर उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है आज, केक कटें। और अब ना एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप क्या, मैं भी नहीं सोच पा रहा था ये चीज़ की हो सकती है। अभी क्या हुआ था, आपने देखा हमने खिलौने उठाए, तो जब खिलौने उठाए ना, तो मैंने गोली को बोला, हाँ बेटा आया आया, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा अपनी साइकिल वो उठा ले, खिलौने उठा ले। तो उसको वो साइकिल भी चलानी थी और अपनी कार भी उठानी थी, तो उसने कुछ ऐसा कराया ना, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या दिखा रहे हो, वो दिख, देखो अपनी कार, साइकिल चला लो यहाँ पे इस तरफ, ये देखो इसने क्या किया है, ये अपनी कार यहाँ फंसा ली। ओ गिर गई बेटा ये तो। हाँ अब जब ये अपनी वो चला रहा है ना साइकिल, तो इसकी कार भी चल रही है, ये देखो तेरी है माँ देखे। ये पूरा इंजन गाड़िया बैठा होगा, अभी भी चल रही है इसकी, ओ तेरी है। बेटा तू तो ना सही में, देखो वो चल रही है गाड़ी अभी, सही दिमाग लगाया तूने, पूरा गाड़िया का इंजीनियर है यो, अपने चाचा और दादा की तरह। आप खुद बताओ, आपने सोचा था ऐसा हो सकता है? तो मैंने भी नहीं सोचा था, जो इसने कर दिया ना, कहाँ से दिमाग लगाता है ये। तो भाई अभी नहा धो के हम सब आ गए हैं यहाँ पे भोले बाबा जी के दरबार में, और ये देखो वहाँ पे वो कावड़ रखी हुई है। और ये जो बाबा जी आ रहे हैं ना, ये महंत हैं यहाँ के, ये 104 साल के हैं। अब भाई जा रहे हैं एक बार ना वॉशिंग वॉशिंग करवा लें गाड़ी की, चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार गाड़ी में ना, कितनी गर्म हो रही है गाड़ी, बिल्कुल तंदूर की तरह चल रही है गाड़ी, पिज्जा वाले का तंदूर था ना बिल्कुल उसकी तरह। यहाँ पे करवाएंगे वॉशिंग, करवाएंगे गाड़ी की, चौथा नंबर है। तो उसने बोला कि
आपका नंबर हमने नोट कर लिया, चौथे नंबर पे आ जाना, वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद गाड़ी को साफ कर देंगे। जब तक चलते हैं अपनी बड़े भैया के पास चलते हैं दवाइयों की फैक्ट्री में। ये देखो भाई, ये पूरी ये फैक्ट्री है सारी की सारी, इनके अंदर आयुर्वेद की दवाइयाँ बनती हैं। भैया तो कुछ रिवाड़ी गए हुए हैं, एक भैया गोहाना गए हुए हैं, तो 7-8 भाई हैं, तो सभी के सभी मतलब आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। और ये देखो अब गुरुकुल की तरफ चलते, ये शायद गोदाम है, ये देखो ये गुरुकुल, इसकी तरफ चलते हैं। ये भी भैया की ज़मीन पर जो दान की है शायद उसमें बना हुआ है, देखने चलते हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं। तो भाई ये है गुरुकुल, ये आर्य समाजी गुरुकुल है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गुरुकुल है। ये देखो पूरा फुल्ली फर्निश कंस्ट्रक्ट गुरुकुल है, जैसे हमारे प्रॉपर स्कूल होते हैं ना, ये भी तो स्कूल ही है। पुस्तकालय है, हर चीज़ है यहाँ पे। ये बीच में प्रांगण है बहुत ही बड़ा, और यहाँ पे ना हमें कोई टीचर तो नहीं मिला, मिलता तो हम बात करते, पर बाहर हमारे ही रिलेटिव मिले थे तो उनसे काफ़ी जानकारी मिली इसके बारे में। ये देखो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है ये डेली का रूटीन यहाँ पे ना। और ये देखो ये पूरा शौचालय आदि पूरा फुल्ली फर्निश है, और यहाँ पे कोई भी ना देश के किसी भी कोने से बच्चे आके यहाँ पे, शायद निशुल्क शिक्षा है, आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। भाई कोई मिला तो नहीं गुरुकुल में यहाँ पे, बाकी मैंने आपको कैंपस दिखाया किस तरीके का है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा कैंपस है, पूरा कंस्ट्रक्ट हो रखा है, तो कोई मिलता तो मैं बात करवाता। बाकी ये देखो यहाँ पे, तो ये पीछे की तरफ भी ये गोदाम गोदाम बना रखा है। हाँ यही तो शादी हुई थी, जब उसकी हुई थी, किसकी हुई थी मेरे ध्यान नहीं आ रहा, किसी की शादी हुई थी ना फैमिली में, जब यहीं टेंट वेंट लगा के यहीं पे शादी करी थी, लक्ष्य को पता है, ध्यान होगा उसको, ये पूरा बना रखा है यहीं पे। ये बाग हैं, ये बेसिकली ना बेर के बाग हैं ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो A to Z, और यहाँ भी ये बाग है बहुत बड़े, वहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक जाके भैया ने बाग वाग बना रखे हैं। अब तो खैर यहाँ पे वो बना फैक्ट्रीज बना दी, क्योंकि इनका पुश्तैनी काम है, बरसों से मेडिकल का ही काम करते आ रहे हैं। जितेंद्र कुमार, बंद रहे सारा सिस्टम है। हाँ, सब हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहे, और छुट्टी रहा वर्क कर ना होंगे तो फिर छुट्टी है भाई, एक दिन तो चाहिए, भी घर बार भी देखना पड़ा सब। ये गाय वाय का खोर है, इसे खोर कहते हैं, ये छानी है, ये डालते हैं गाय के लिए, एक साइड बना रखी है, गंडासा है, ठीक है। और अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं दूसरी फैक्ट्री बनाने लग रहे हैं एक और दवाइयों की ना। कभी किसी दिन प्रॉपरली आऊंगा ना, जिस दिन खुली भी होगी, क्योंकि आज तो हम वैसे मिलने के लिए आ गए, क्योंकि काफी दिन हो गया था हमें भी मिले हुए, और हमारे बड़े भैया हैं वो तो वैसे रिवाड़ी गए हुए हैं तो वो तो मिले नहीं, पर फिर भी। तो ये देखो ये जो है ये अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, दूसरी फैक्ट्री है, इसके अंदर भी दवाइयाँ आदि आयुर्वेद से मशीनें रिलेटेड लगेंगी, चीज़ें बनाई जाएंगी। ये पूरा हॉल है यहाँ पे, वो मैं लगेगी, दिखाता हूँ मशीनें लगेंगी। ये पीछे की तरफ इनमें हांडियाँ होती हैं और कढ़ाई आदि इत्यादि होती है, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, थोड़ी थोड़ी डिटेल पता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनेंगी, जो डोला है ये ठीक यहाँ है। अच्छा पे, ये पीछे की तरफ भी कुछ ना कुछ नया ठीक बनाते ही जा रहे हैं। ठीक, वाकटे तक अपनी मतलब उड़े तक है, उस अगली फिर पंचायती है, तो ये तो अपनी कितना कर आगे दाई ये नीचे थी जितनी है किधर आगे दाई सारे नीचे थी उठो नहीं है उठो बोलती है और आ अच्छा वो होने पे दो हाँ, वो थोड़ा हवन जाओ हाँ, उड़ी थी वो आदमी अचानक लग रहा है हाँ उड़ी थी उसके सीध थी राधा स्वामी कट जा फिर सीधा वो हाँ फिर राधा स्वामी आ रहा है जैसे सीधा है। अच्छा यार आगे में आप बागता ही को बाग पर हाँ, राधा स्वामी आश्रम के कोने पे स्वामी तक है तो इस बड़ में होगी सारी है इससे बड़ा और यो मेन रोड लागता होगा अपनी जमीन में तो राधा स्वामी तक पूरी सिद्धि में है यार। ये 15 किले हैं तो भाई ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो किसान ही हैं, किसान हैं और पंडिताई का काम है हमारा, क्योंकि कास्ट से हम लोग ब्राह्मण हैं वैसे, तो हमारा पंडिताई काम है और ज़मीन से रिलेटेड काम है, खेती बाड़ी का ही काम है। धीरे धीरे अब हम लोग भी दूसरी दूसरी चीज़ें करते जा रहे हैं, स्लोली स्लोली, जैसे मैं इंजीनियर बन गया अभी,
पर गांव में खेत अभी भी हैं तो उनमें खेती अभी भी होती है। तो भैया तो प्रॉपरली अपनी खुद ही करते हैं अभी भी, और साले साहब भी खुद ही करते हैं। देखिए आपने फैक्ट्री दवाइयों की अभी और भी बनाने लग रहे हैं, और इस साइड जो था ना क्या नाम है जो पानी नहीं वाला है उसके बारे में भी पता लगा इनसे, भाई से, वैसे भाई नहीं हम इनके चाचा लगते हैं पर एज में भी भैया हमसे बड़े हैं तो इसीलिए तो पता लगा। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जो बच्चे हैं ना कहीं तो UPSC भी, मतलब यहाँ से 6 साल का कोर्स है ये, लगभग 6 साल की पूरी पढ़ाई करके संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करके वेद शास्त्रों की सारी पढ़ाई करके फिर ये लोग पूरी 6 साल के बाद डिग्री लेते हैं, ठीक है, और शायद शास्त्री टाइप होती होगी तो वो डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद फिर ये UPSC SSC ठीक है इस और एजुकेशन में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी संस्कृत के कई लेक्चरर्स हैं टीचर्स हैं तो बहुत सारी फील्ड्स में लोग जाते हैं। और बता रहे थे कई तो इसमें ऐसे IAS है जब यहाँ पे साल में इनका वो होता है ना सारे स्टूडेंट्स का एक मतलब क्या कहते हैं उसको सब मिलते हैं गैदरिंग होती है तो उसमें IAS IPS भी जो बन गए हैं ना बच्चे यहाँ से निकल निकल के वो भी आते हैं। ये इस टाइम नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े गुरुकुलों में से एक है और आपने देखा होगा। और बाकी भी बहुत सारी बातें हुई तो कैसा लगा भाई चेतन जी? बढ़िया लगा ना भाई साहब से मिल के, तो ऐसे ही मिल गए तो भाई अब देखते हैं वापस आए हैं यार यहाँ पे, अब इसके पास देखते हैं चौथा नंबर था वॉशिंग वाले के पास, देखते हैं कौन सा नंबर अभी चल रहा है, कभी इसने कोई और गाड़ी ना घुसा ली हो। ये आ तो गए अभी हम इसके पास, अब देखते हैं। पहले इसके पास आए थे वॉशिंग में, पहले बोला चौथा नंबर है जब भी आप आओगे आपकी लगा देंगे, अब शायद कह रहा है आपका पांचवा नंबर है। ये कोई पागल बनाने वाली बात थोड़ी ना हुआ है, पर चलो जो भी है हम तो कहीं और चल पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे आके ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है 100 रुपये में कर रहा है 200 रुपये में कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हमने सोचा था कि चलो भाई एक बार चेक करके तो देखें, हमारे घर के बिल्कुल पास था रास्ते में पड़ता है, पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। तो हम अभी वहीं चलेंगे जहाँ पे हम बेसिकली अपनी वॉशिंग करवाते हैं, क्योंकि बात पैसे की नहीं है बात टाइम की भी है यार, टाइम बहुत ज़रूरी है और टाइम पैसा होता है। तो भाई ये रास्ते में जा रहे हैं, देखो रोडों के क्या हालात है, कहीं कई जगह ना वैसे स्मूथ रोड है पर कई जगह बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं सारे के सारे रोड्स ना। तो अब आगे भाई यहाँ पे अपना मेट्रो कार वाश वाले के पास नरी गाड़ी लग रही है पहले ही यहाँ पे यार, उस पे चल तो अपना गाड़ी लगवा ले, देख ले तेरी मर्जी है कित घुमाओगे चेतन मीनाज, इतने नरी जगह घुमा दी। तो अभी हमने पूछा यहाँ पे ना एक कार जैसे ये डिज़ायर खड़ी है वो i20 खड़ी है, तो ये एक कार के आगे दो दो तीन तीन कारें खड़ी हैं, तो यहाँ पे तो भाई बिल्कुल भी ना जगह नहीं है गाड़ी लगाने के लिए। और अब हम सोच रहे हैं कि घर की तरफ ही चलें, क्योंकि सुबह ही वैसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब घर की तरफ चलते हैं भाई। तो भाई ये अभी हम चल पड़े घर की तरफ, और ये जो जगह है ना ये है रायपुर गांव, ये देखो ये गांव के घर बने हुए हैं जगह जगह, और ये साइड में है स्कूल जिसके अंदर ना कबड्डी की एकेडमी भी है। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स देखते हो ना आप, ये कबड्डी वाले जो कबड्डी के टूर्नामेंट्स में खेलते हैं कुछ, तो ये देखो ये बच्चे कबड्डी वाले ही हैं बेसिकली। तो भाई मिलते हैं आपसे ना नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम।